बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, द नेम इज़ हेयर फॉर यू मैथ्स लेक्चर स्टूडेंट। आवर 24th लेक्चर इज़ अबाउट एक्सरसाइज नंबर 17 जियोमेट्री। द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ 17 एक्सरसाइज इज कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और साथ में से आप लोगों से कहा हुआ है कि उसकी जो लेंथ है ईच साइड की वो 4 सेंटीमीटर है। तो बेटा इक्विलेटरल मीन्स डैट ऑल साइड्स आर इक्वल। बेटा आप लोग उसके लिए नोटबुक पे ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट लाइन सेगमेंट हम लोग ट्राइंगल या एंगल्स नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना है जो 4 सेंटीमीटर पर, आप लोग उसका नाम रख देंगे ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है, ठीक है। तो स्केल के साथ आप लोगों ने इस तरह से 4 सेंटीमीटर की कंपास जो है उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें, तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइन सेगमेंट की एक साइड पर रखे आप लोगों ने जो है वो एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने सेम मेजरमेंट को ए साइड पे रखना है और एक और आर्क आप लोगों ने इसके ऊपर लगा देनी है। दोनों आर्क जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट द पॉइंट सी, ठीक है। फिर उस सी पॉइंट को आपने ए के साथ भी अटैच कर देना है और साथ में उसे बी के साथ भी अटैच कर देना है। दोनों के साथ उनकी मेजरमेंट्स लिख देनी है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर टू में इसने आप लोगों से क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर टू में इसने आप लोगों से बोला कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल मीन्स दैट टू साइड्स आर इक्वल, ए बी सी, वेयर ए सी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो उसने कह दिया कि ए सी और बी सी जो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थर्ड साइड की मेजरमेंट इसने आप लोगों को नहीं दी है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग को कोई सी मेजरमेंट वो लगा लें। तो मैंने यहाँ पर जो है 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लगाई है। 4 सेंटीमीटर को सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की और उसे मैंने ए पॉइंट पे रखा, फिर बी पॉइंट पे रख के मैंने उनके आर्क्स लगा दी। बिल्कुल इसी तरह से पहले ही चले जी, मैंने उसे बी पॉइंट पे रख लिया और आर्क लगा दी। उसके बाद मैंने सेम मेजरमेंट को ए पॉइंट पे रखा और मैंने एक और आर्क लगा दी, ठीक है। तो जो दोनों आर्क्स होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट सी, तो सी को एक साथ भी ला देंगे और बी के साथ भी। तो ए सी एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास उसके क्वेश्चन नंबर टू के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर थ्री कंस्ट्रक्ट एन स्केलन ट्राइंगल, आप लोगों ने एक स्केलन ट्राइंगल बनानी है क्वेश्चन नंबर थ्री में। एल एम एन, वेयर एल एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एम एन 3 सेंटीमीटर एंड एल एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक स्केलन ट्राइंगल है जिसमें तीनों मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग एल एम पहले ड्रा कर लें 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद एम एन का आर्क कंपास ओपन करके आप लोगों ने एम पॉइंट पर रख के आर्क लगा देनी है। फिर आप लोगों ने 6 सेंटीमीटर के कंपास ओपन करके उसे आप लोगों ने एल पॉइंट पर रखना है और एक और आर्क लगा देनी है। ये देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है। पहले तो ये सारी मेजरमेंट्स हमारे पास है, तो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने सबसे पहले लाइन सेगमेंट लगा लेना है यहाँ पर एल एम। उसके बाद देखिए एम एन मीन्स डैट एम के पॉइंट पे आपने 3 सेंटीमीटर के कंपास ओपन करके आर्क लगा देनी। फिर आपने 6 सेंटीमीटर के कंपास ओपन करनी है और उसे आपने एल एल पॉइंट पे रखना है और आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो दोनों आर्क से हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट एन, फिर एन को आपने एल और एम के साथ अटैच कर लेना, ठीक है बेटा। तो इन आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा घर बैठ के, डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।